आज दो खबरें अचानक से सबसे ज्यादा चर्चा में आ गई। एक मुंबई में बागेश्वर का जाना और सीमांचल में ओवैसी का जलसा लगाना। मुंबई में बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र की बात की और सीधे जय श्री राम की बात की, और ओवैसी ने सीमांचल में भी बागेश्वर धाम की बात की। धर्म कांटा किसकी तरफ झुक रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। कौन बाउंसर फेंक रहा है, कौन गुगली फेंक रहा है, कौन फील्डिंग कर रहा है, कौन कैच पकड़ रहा है, किसका गेम बन रहा है, किसका गेम बिगड़ रहा है। 24 की सियासी पिच पर सबका खेल शुरू हो गया है, लेकिन असल खेल बाबा बागेश्वर ने शुरू किया है। हिंदू फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र 24 की तैयारी है, बाबा ने कर दी भविष्यवाणी है। संतों की भूमि और पीरों की भूमि है महाराष्ट्र, जहां हमारे छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, जिन्होंने धर्म विरोधियों को नाको चने चबवा दिए थे। ऐसी भूमि है महाराष्ट्र। लोग हमसे बोले, महाराज आप मुंबई क्यों जा रहे हो, बार बार जाने की क्या आवश्यकता है? हमने कहा, देखो भैया, हम तो माध्यम है, हम तो साधारण आदमी है, लेकिन हमारा सनातन का सपना महाराष्ट्र से ही पूरा हो सकता है। बाबा जब इस सपने को महाराष्ट्र की धरती पर पूरा होने की बात करते हैं तो बात बड़ी हो जाती है। बाबा की बात कितनी सियासी है और कितनी सनातनी, इनको सुनिए, पूरा मैटर समझ में आ जाएगा। संत महाराष्ट्र के सबसे बड़े संत जो है तुकाराम महाराज, उनके बारे में कुछ गलत स्टेटमेंट्स उन्होंने किए थे। उसका महाराष्ट्र में जो वारकरी संप्रदाय है उन्होंने भी बहुत निषेध भी किया था। अब वो महाराष्ट्र में आ रहे हैं और भाजपा के लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, ये सब देखते हुए हमें आश्चर्य लगता है। ऐसे लोगों को हम संत मानते नहीं, जिन्होंने तुकाराम महाराज, जिन्होंने सर्वसामान्य जनता जो है, यहाँ की बहुजन समाज की जनता जो है, उनको एक प्रेरणा दी। गए कई सालों से वो ये उनके वारकरी पंथ निर्माण हुआ है और उनकी हम लोग आराधना करते हैं, तो उनके खिलाफ बोलने वाला ये कौन सा संत है? इनको हम मानते ही नहीं। और ये यहाँ के समाज में दरार पैदा करने का अगर काम करने वाला होगा तो सरकार ने उसको परमिशन ही नहीं देनी चाहिए। और लोगों को मैं अपील करता हूँ कि ऐसे आदमी को संत का क्या मानते हो? संत ने कभी भी समाज में दरार पैदा करने की बात नहीं की, न राष्ट्रवाद की बात की। खुद देखिए, जब से 2014 से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है ना, तो मुसलमानों के खिलाफ एक तरह से नफरत सी फैला दी है इन्होंने। कभी इनको हमारे हिजाब से नफरत है, कभी इनको मदरसों से नफरत है, कभी अजान से नफरत है। तो अभी इस तरह के धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को भेज कर ये महाराष्ट्र में, जहाँ माहौल एक शांत माहौल है, सब अपने अपने हिसाब से जी रहे, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह से यहाँ पर ये आएंगे, ये नफरत फैलाएंगे, तो इसकी सरकार को जवाबदारी लेनी चाहिए। बीजेपी सरकार है महाराष्ट्र के अंदर, क्यों रोकती नहीं है इनको, क्यों आने दे रही है यहाँ पर? दूसरी ओर आप देखिए तो वो हैदराबाद से एक हिंदुत्वा का और एक गुंडा आके यहाँ पे घूम रहा है राजा सिंह महाराष्ट्र में, अनाप शनाप बके जा रहा है, मुसलमानों के नरसंहार की बात किए जा रहा है, मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात किए जा रहा है, गालियाँ दे रहा है, वो तो मैं अल्फाज भी आपके चैनल के यूज़ नहीं कर सकता हूँ, ऐसी बातें किया जा रहा है। उसके खिलाफ काफ़ी जगहों पर FIR भी दर्ज हुई है, कंप्लेंट भी दर्ज हुई है, मगर सरकार उचित स्टेप्स नहीं लेती, उनको रोकती नहीं, उनको अरेस्ट नहीं करती, बस उनको बोल दिया गया जाइए आप नफरत फैलाइए जितना हो सकता है। तो हम सरकार से यही गुहार लगाते हैं, चीफ मिनिस्टर क्यों खामोश है इस बात के ऊपर? क्या आप चाहते हो कि महाराष्ट्र के अंदर इस तरह से नफरत फैले?
महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव है, नगर निकाय का चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, 24 का लोकसभा चुनाव है, लेकिन इसको लेकर किसको तनाव है अब जरा वो भी समझ लेते हैं। बाबा ने भगवा फहराया है, बीजेपी ने इसे तुरंत लहराया है। महाराष्ट्र सरकार से प्याज किसान नाराज हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर 17 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं। माहौल गर्म है, इसीलिए भगवा का भजन है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस बाबा के संत तुकाराम वाले बयान में स्कोप दिख रहा है। बाबा का इसीलिए पूरा एंटी बीजेपी खेमा विरोध कर रहा है। हिंदू हिंदू राष्ट्र के नाम से ओवैसी का माथा ठनक रहा है, इसीलिए बाबा बागेश्वर पर मजलिस का पूरा खेमा बरस रहा है। हम इसीलिए नहीं आए कि चमत्कार दिखाने आए हैं, या तुमको अंधविश्वास में पड़ाने आए हैं, या हमको कोई सिद्धि चाहिए। मेरे पागलो, हमारा जो होता हो जाने दो, जब तक तन में प्राण है हम अपना काम सनातन का करके ही रहेंगे। दरअसल एनसीपी हो, कांग्रेस हो, उद्धव ठाकरे हो, इनके लिए बाबा तो बहाना है, दरअसल बीजेपी के वोट बैंक पर निशाना है। इसीलिए तीनों पार्टियां बाबा के संत तुकाराम वाले बयान को बार बार कोट कर रही हैं। महाराष्ट्र की सियासत में संत तुकाराम के अपमान का मतलब है 20 लोकसभा सीटों पर सीधा असर। संत तुकाराम में आस्था रखने वाले वारकरी समाज का महाराष्ट्र की लोकसभा की 48 सीटों में से 20 सीटों के अलावा विधानसभा की 288 सीटों में से 50 सीटों पर स्ट्रांग होल्ड है, जिसमें से ज्यादातर सीटें पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा इलाके से आती हैं। खोल दो पंख मेरे, कहता है ये परिंदा, अभी उड़ान बाकी है। मुंबई नहीं है मंजिल मेरी, मुंबई नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है। आप चिंता मत करो, पर्चा तो एक बहाना है, बालाजी की कृपा का सिद्धांत बताना तो एक बहाना है, भगवान होते या नहीं इसका अनुभव कराना तो एक बहाना है, असलियत में पूरे भारत को राम का बनाना। और हमें यह भी पता है कि लोग हमें छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम भी नहीं छोड़ेंगे। नेट प्रैक्टिस महाराष्ट्र से शुरू हो गई है। हम लोग सनातन धर्म का झंडा गाड़ के रहेंगे। वो लोग का डर है, हम लोग का हिंदू राष्ट्र होने जा रहा है, इसके लिए वो लोग का डर है। सनातन धर्म, जय श्री राम। भगवा वाली पिच बाबा ने तैयार कर दी है, बीजेपी ने उस पर बैटिंग भी शुरू कर दी है। 23 और 24 में क्या क्या होने वाला है उसका इशारा मिल गया है। एक और मोर्चा बागेश्वर सरकार के खिलाफ एक बना हुआ है, महाराष्ट्र में उनका कार्यक्रम चल रहा है और वहाँ भी विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही। मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, चर्चा तो बहुत। हाँ, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं, मुझे नहीं मालूम कौन है वो। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो भारत के संविधान के दुश्मन है, क्योंकि संविधान किसी एक विशेष समुदाय का नहीं है, ये देश तमाम समुदाय को मानता भी है और जो किसी भगवान अल्लाह को नहीं मानते उनको भी मानता है। तो जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो, हम आज़ादी के 75 साल की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, उन अजीम लोगों की कुर्बानियों पर वो छींटा फेंकने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद करवाया, वो उनकी कुर्बानियों को रायगा उनको ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये सोचना पड़ेगा देश पर। योगी ने भी कहा था कि वो सनातन राष्ट्र की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात। वो भाई वो तो बुलडोजर की बात करते हैं ना, सब तो वो संविधान की बात ही नहीं करते। तो जो संविधान की बात करेगा वो संविधान के दायरे में रहकर बात करेगा। इधर भगवा ब्रिगेड तैयार है तो उधर 2000 किलोमीटर दूर बिहार में एंटी भगवा ब्रिगेड वाले भाईजान सीमांचल में एक्टिव हो गए हैं, नई टीम तैयार कर रहे हैं। ये वही मैदान है जहां भाईजान ने अपने दम पर अपने नाम पर 4 विधायक बनाए थे, पहली बार बिहार में अपनी पतंग उड़ाई थी, लेकिन इन चारों विधायकों की पतंग को तेजस्वी लूट ले गए।
इस बार ओवैसी आए हैं तो सबसे ज्यादा तेजस्वी और नीतीश पर ही फायर है। वो जो चार विधायक को तेजस्वी यादव ने और नीतीश कुमार ने खरीद लिया, मैं उनसे कह रहा हूं कि आपने सीमांचल की जनता को धोखा दिया, आपने सीमांचल की जनता के पीठ पर खंजर घोंपा, आपने सीमांचल के मासूम माओं के ख्वाबों को चुकना चूर करने की कोशिश की। मगर सुन लो, मैं उन बेईमानों से भी कहना चाह रहा हूं कि एक तरफ अख्तर उल ईमान है तो दूसरी तरफ वो चार बेईमान है, और हम इन बेईमानों को कभी साथ इनको कभी माफ नहीं करेंगे जिन्होंने सत्ता के लिए अपने ईमान को बेच दिया। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाली गयूर अवाम इन बेईमानों को कभी माफ नहीं करेगी। आज तुम्हारे पास सत्ता जरूर है, मगर देखो जब महागठबंधन का जलसा हुआ सीमांचल की सरजमीन पर तो इन बेईमानों को पीछे कहीं कोने में बिठा दिया गया, इनको इज्जत भी नहीं दी गई। सीमांचल में ओवैसी का अभी से पूरी ताकत के साथ एक्टिव होना इस बात की तरफ क्लियर कट मैसेज है कि वो सियासी बदला लेने की नीयत से सीमांचल पहुंचे हैं। अरसे तक मुस्लिम आरजेडी के समर्थक रहे हैं, लेकिन ओवैसी ने सीमांचल में आरजेडी का ये कंफ्यूजन तोड़ दिया था, जिसका जवाब आरजेडी ने चारों विधायकों को अपने पाले में कर दिया। लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है, आरजेडी के साथ नीतीश कुमार आ गए हैं। वो नीतीश कुमार जो एनडीए का साथी होने के बावजूद मुसलमानों के मुद्दे पर मोदी सरकार से अलग राय रखने की वजह से मुसलमानों की पसंद बने हुए हैं, और अब बीजेपी से खुलकर पंगा लेकर बिहार में मुस्लिम राजनीति में अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया है। बात मुस्लिम वोट की है, इसीलिए जब ओवैसी सीमान चलाए तो तेजस्वी नीतीश पर सबसे ज्यादा हमलावर है। कहा तो ये जा रहा है कि ओवैसी का सीमांचल में आना नीतीश और आरजेडी के लिए ही खतरा है, जिसकी पिक्चर वो उपचुनाव में दिखा चुके हैं। विधानसभा की दो सीटों कुर्डी और गोपालगंज के लिए हुए उपचुनाव में भी ओवैसी के उम्मीदवारों का असर दिखा। गोपालगंज में अगर ओवैसी के उम्मीदवार ने वोट नहीं काटे होते तो आरजेडी के उम्मीदवार का जीतना तय था। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ओवैसी की पार्टी अगर चुनाव मैदान में उतरती है तो उसके उम्मीदवार भले न जीते पर महागठबंधन के कैंडिडेट के जीतने में बाधा तो बन ही सकते हैं। बार जो सवाल उठता है वो इस बार भी उठेगा, और खासतौर से जब आप सीमांचल आए हैं और वो सवाल नीतीश कुमार भी उठा रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है, सावधान रहना इनसे, और ये तो बात साबित हुई इस बार जो उपचुनाव हुए उसमें जो नतीजे आए गोपालगंज के, उससे ये साफ हो गया कि आपकी वजह से महागठबंधन को नुकसान होता है। साबित ये हुआ कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने कैसे, किसकी वजह से, बीजेपी की वजह से। बीजेपी को छोड़ा, फिर राजद को गोद में बिठा लिया, राजद के करप्शन पसंद नहीं आया तो मोदी के गोद में जाकर बैठ गए, अब मोदी को छोड़कर फिर राजद का आया है। तो नीतीश कुमार को किसने कहा था, राजद ने कहा था ना, क्या पलटू राम, हमने नहीं कहा था, तो अब उनको फैसला लेना है। अब जहां तक विधान बाय इलेक्शन के नतीजे का सवाल है तो लालू के साले भी लड़े थे, तो साले को साला नहीं बोलेंगे, हमको बोलेंगे हैं, बताइए आप। और हम चुनाव लड़ेंगे, जो सीमांचल से मुसलमानों से दलितों इंसाफ नहीं करेगा उनको तैयार रहना पड़ेगा। फिर नीतीश कुमार आप कह रहे हैं कि उनको पलटू राम, नीतीश कुमार ने जनसभा में कहा कि मुसलमानों की पार्टी, आप कुर्मी नहीं है क्या, वो यादव नहीं है, वो दलित नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है, ठाकुर नहीं है, सब भूल जाते हैं, मुसलमान ही आ जाता है इनको। ओवैसी भले ही खुद को बीजेपी की बी टीम न कहें, लेकिन अगर बीजेपी को फायदा होगा तो ये इल्जाम चस्पा भी होगा। ये बात भाईजान को पता है, इसीलिए भाईजान तेजस्वी और आरजेडी को आईना दिखा रहे हैं, तो मोदी और पूरी भगवा टीम को भी जमकर सुना रहे हैं। फ्रीडम ऐप से सीख कर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।
किसी से नहीं डरते सिवाय रब कायनात अल्लाह से कि हम उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक के सीमांचल से इंसाफ नहीं होगा। सुन लो दिल्ली में बैठे हुए बादशाह नरेंद्र मोदी, सुन लो पटना में बैठे हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, अगर सीमांचल से इंसाफ नहीं होगा तो असदुद्दीन ओवैसी मजलिस के हजारों और सीमांचल की लाखों जनता के साथ चक्का जाम कर देगा सीमांचल में लाखों को। अब हम खामोश नहीं बैठेंगे, क्या आप हमारे साथ चक्का जाम के लिए तैयार है? क्या आप अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? तो सुन लो गुलामों, अब हम तुम्हारी गुलामी नहीं करेंगे। जो गुलामी करते थे वो तुम्हारी चौखट पर सर झुका दिए, जो इख्तदार को ठुकरा कर इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे उनका नाम मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।